तो भाई ये हमारे कैमरा मैन नीचे उतर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि भाई साहब ये जो गुफा सी है एक तरफ से पैड़ा थोड़ी नहीं है, गुफा है। इसके अंदर चकचुंदर और ततैये बहुत भयंकर है, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ क्लियर। और थोड़ा खड़े पैड़े हैं और रिक्शे काम है बहुत ज़्यादा, तो उतरना और चढ़ना। भरतरी की चौधरी जो इस गुम्मद के अंदर बनाई गई और इस प्रकार का डिजाइन आप देख सकते हो इसके चारों ओर, ये आप देख रहे हो चारों ओर का सीन क्या प्रकार का पत्थर काट काट के ये डिजाइन बनाया गया है। इसके चारों ओर आप डिजाइन देख रहे हो किस प्रकार के पत्थर की कटिंग की गई थी उस टाइम और कितनी भारी भारी। यहाँ पर तो मैं अभी आपको ऐसी गुम्मद दिखाने वाला हूँ जो राजा भरतरी ने बनाई। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक मंदिर दिखाया था राजा भरतरी को, उज्जैन के जो राजा थे। मेरे पीछे आप एक गुम्मद देख रहे होगी, ये भी उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं ने ये इस पर काम किया था, उन्होंने बनाई है। इसकी एक बड़ी विचित्र कहानी है, हम थोड़ा आगे चलेंगे और आपको कहानी बताएँगे। और ये आप गुम्मद का रास्ता देख सकते हो, चारों ओर का सीन इस प्रकार का है। इसके चारों ओर एक अच्छी मतलब दीवार लगाई गई है पूरी और सिक्योरिटी के साथ। बाकी हम एंटर करते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। वो वाला पार्ट में तो कुछ इस प्रकार का रास्ता है, इस पे सीढ़ियाँ चलती है, इस प्रकार की हैं सीढ़ियाँ, नहीं स्लीपर सीढ़ियाँ हैं। और ये इसके ऊपर जाने का रास्ता जैसे हम जाते हैं। तो ये है वो गुम्मद का फर्स्ट एंट्रेंस, ये आप देख सकते हो, ये है एंटर प्लेस। यहाँ से हम इस गुम्मद के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये इसका चारों ओर का सीन है, आप देख सकते हो। इसकी जो दीवार है कितनी मोटाई है, आप यहाँ साइड लगाइए, यहाँ से साइड से ये देख रहे हो आपने पूरा का पूरा। ये देखिए इधर की साइड भी आ जाइए, अब मैं दिखाता हूँ आपको एंटर करने से पहले ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो। और ये है ना पूरी पत्थरों से बनाई गई है, यहाँ के एक पहाड़ों में से लोकल पत्थरों से यूज करके इसका पूरा गुम्मद का निर्माण कराया गया है। इसके चारों ओर का प्रकार का सीन है, ये देख सकते हो आप। और इसकी ऊंचाई आपको क्या लग रहा है कितने मिनट होगी? 250 मीटर के प्लस में शायद इसकी ऊंचाई होगी। और अभी हम इसके अंदर चलते हैं और आपको इसके अंदर वो जो गुम्मद के अंदर एक चौथरी है वो पहले नहीं थी, अब बना दी है। अब क्यों बनाई वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इस वक्त हम इस गुम्मद के मेन एंट्री गेट पे हैं और आप जैसे एंट्री करोगे आपके दोनों साइड से इस प्रकार के दो कक्ष बने हुए हैं छोटे छोटे, ये आप कक्ष देख सकते हो। और इसमें जो गेट आपको लकड़ी के दिख रहे हैं ये तो खैर अभी चढ़ाए हैं, पहले नहीं थे। और इस प्रकार इधर भी सेम कक्ष है और ये गेट लगाया हुआ है, तो खैर हम गेट नहीं खोलेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण। और अभी हम आगे चलते हैं, आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो इस वक्त ये गुम्मद का आप देख रहे हो, ये इसका प्रकार का ये कितनी ऊंचाई होगी, करीबन 240 सेंटीमीटर या 250 फीट की आप इसकी मैक्सिमम ऊंचाई मान सकते हो। हमें खैर ऊपर के छोर पे भी आपको ले चलेंगे इसके। और ये इसका प्रकार का सीन है और इस प्रकार का जो डिज़ाइन है आप देख रहे हो कि बीच बीच में पत्थरों को काट के ईंट टाइप में बनाया गया, ईंट को पत्थर को काट के। इसमें कोई खास डिज़ाइन नहीं किया गया ना, इसमें कोई कलर किया गया, ये सिर्फ जो आपको जो डिज़ाइन दिख रहा है ये पत्थर है, पत्थर को काट के ही उनको डिज़ाइन में कन्वर्ट कर लिया है। हालांकि इसके बगल में भी एंट्रेंस है कुछ इस प्रकार के, सेम पर्पज़ है। ये जो आप गेट देख रहे हो इसी प्रकार का इसके चारों तरफ का सीन है। और ये दो मैं कक्ष बता रहा हूँ, एक इस साइड कक्ष है, एक इस साइड कक्ष, इसी प्रकार के कक्ष है। यहाँ पे हम इसकी कहानी आपको ऊपर चल के बताएँगे थोड़ी सी, क्योंकि पहले हम आपको यहाँ का सीन दिखा देते हैं। और ये जो आप चौधरी दिख रहे हो हम आपको आगे से चल के दिखाएँगे। ये आप इसका बगल का सीन भी देख सकते हो, सेम मैंने बताया ना हर जगह यही सेम है, इस प्रकार के कक्ष बने हुए हैं, ये देख सकते हो आप। और ये इस प्रकार का डिज़ाइन है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये है जो भरतरी की यहाँ पे चौधरी बनाई गई है, एक छोटा सा टाइप का मंदिर, इसी पे डेली शाम को जोत भी होती है। और ये वही मंदिर उसी राजा की, जो राजा उज्जैन के जो राजा थे भरतरी, उन्हीं की ये चौधरी बनाई गई है। आप देख सकते हो इसका पूरा डिजाइन। और ये क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पे काम किया था। एक राजा बनवाता है, एक राजा ने काम किया है मजदूरों की तरह। तब जाके इस उन्हीं के नाम पे इसका गुम्बद का नाम पड़ा, राजा भरतरी की गुम्बद। अभी हम ऊपर चलते हैं, आपको उसका पूरा ऊपर का व्यू दिखाते हैं। तो ये इतना रिक्सी रास्ता है और हम ऊपर जा रहे हैं इसके, ये आप देख सकते हो। हम इस गुम्बद के ऊपर आ चुके हैं और इस गुम्बद के ऊपर यानी कि ऊँची इतनी ऊंचाई पे ये छोटी इस प्रकार की छतरी बनाई गई। एक ये छतरी ये रही है, एक ये रही है, एक आगे भी है। इस प्रकार की 4 से 5 छतरी बनाई गई है। और इस छतरी का जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, पत्थरों को बिल्कुल कैसे काट के बनाया गया है। इसमें और कोई भी पत्थर इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए चीज़ बता देता हूँ कि इसको सिर्फ पत्थरों से काट के ये इस पूरी छतरी और पूरी गुम्बद का डिज़ाइन किया गया है। बाकी आप देख रहे हो उस प्रकार का, हालांकि इसमें कुछ रियूनेट भी किया गया है थोड़ा बहुत। या आप इसकी जो लेयर देख रहे हो, येलो कलर का जो कलर किया गया है, ये कुछ टाइम पहले ही किया गया है। और ये इसका ऊपर का सीन आप देख सकते हो, छतरी का किस प्रकार का बनाया गया है। ये जो छतरी है, ये जो गुम्बद है, अलवर के जो राजा थे मूसी महारानी का नाम आपने सुना होगा, जैसे आपने मूसी महारानी की छतरी है। कहा जाता है कि ऐसा कि अलवर के राजा ने इसका यहाँ पर उसकी पूरी रियासत थी। पहले आप ये तिजारा शहर देखिए, यहाँ से आपको तिजारा शहर दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो गुम्बद है तिजारा शहर में स्थित है। अलवर से करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह पड़ती है। और इस प्रकार का पूरा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है। और धूप थोड़े पीक्स पे है, थोड़ा सा बारिश का टाइम भी है वैसे तो, खैर, लेकिन फिर भी गर्मी काफ़ी अच्छी खासी है यहाँ पर। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो गुम्बद है राजा भरतरी की, कहा जाता है कि अलवर के जो राजा थे उनके द्वारा बनवाई गई थी। लेकिन जब ये गुम्बद बन रही थी तो इसमें बहुत सारे मजदूर काम करते थे, तो उनमें से एक मजदूर था जिसका नाम था राजा भरतरी। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक छोटी सी इसकी कहानी बताई थी कि राजा भरतरी को इस प्रकार मतलब वो मोह माया से चले गए थे कि उन्होंने जो फल दिया था एक ऋषि ने, और उसने वो और फल अपनी रानी को दिया था। जो रानी उसकी पिंगला रानी थी, वो बड़ा ही प्रेम करता था उससे। तो उससे जब वो फल दिया था, तो फल देने के बाद में वो रिटर्न जब उसके पास घूम फिर के आ गया। हालांकि ये कहानी आप मेरी उस वीडियो में जाके देख लेना, मैं आपको लिंक डाल दूंगा। मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में ये कहानी बता रहा हूँ। तो फल जब उनके पास आ गया तो उसको पता लग गया कि सब मोह माया है और वो कोई मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि वो रानी किसी और से प्रेम करती थी, वो सैनिक से करती थी, सैनिक किसी और से करता था। तो ये सब सिस्टम जब उसने देखा और जब उसने समझ में आ गया, तुरंत उसने किसी से कुछ नहीं कहा और उसने संन्यास ले लिया। गुरु गोरखनाथ जी के शरण में चले गए, और वो कहा जाता है कि उन्हीं के वो चेले थे। तब उन्होंने तपस्या त्याग करना शुरू कर दिया, और उन्होंने तपस्या करते करते वो यहाँ अलवर तक पहुँचे थे। और इस गुम्बद में वो मजदूरी करने के लिए करते थे यहाँ पे, और मजदूरी के बदले उनको 2 टाइम का खाना मिल जाता था, ऐसा कहा जाता है। तभी से जब उनको एक दिन राजा को उसने पूछ लिया, जब वो देखता था कि यहाँ पर सिर्फ काम करता और जाके अपना खाना खा के सो जाता था, तब ये गौर से जब किया गया तो किसी सैनिक ने राजा से कहा। राजा ने जब उसके बारे में पूछा तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं राजा हूँ उज्जैन का। तभी से उस राजा ने इसका नाम उसी के नाम पर रख दिया कि आज से ये गुम्बद आपके नाम होगी, और इसका नाम राजा भरतरी गुम्बद के नाम से पड़ गया। ये इसकी छोटी सी स्टोरी थी। हालांकि इसके अंदर ये डिज़ाइन आप देख सकते हो किया गया है, आर्टिक्ट पूरा का पूरा इस प्रकार का सीन है इसका। खैर, अभी इसमें थोड़ी सी गंदगी फैला रखी है भाई, साफ़ सफाई थोड़ी सी कम है। पहला बीच, क्योंकि सरकार या फिर आप वैसे तो ये प्राकृतिक विभाग द्वारा के अंडर में आता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम कर पाते हैं केयर। और ये इस प्रकार की इसके 4 प्रकार की ये लेयर लगाई गई है इसके ऊपर, और ये आप देख सकते हो। खैर, उसके बाद में इस तिजारा क्षेत्र में आपको पता ही है मुग़लों का राज रहा है, क्योंकि ये रियासत थी एक अलग जो दिल्ली के अंडर में आती। तो ये वैसे तो अरावली रेंज के अंदर ही आता है तिजारा। ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये अरावली रेंज है, और यहाँ से आप पूरा अच्छा खासा मौसम भी आपको दिख रहा होगा, बादल वगैरह, और वो आपको पहाड़ दिख रहे हैं। ये पूरा अरावली रेंज आता है। वैसे तो बाद में जब ये कुछ साल बाद जब यहाँ पे आगे मेवात क्षेत्र पड़ जाता है, और मेवात से पहले मेवात में एक अलग राजा था, उसके बाद में ये राजा भरत भरतपुर के जो राजा थे उनके अंडर में ये एरिया आ जाता है। और ये नीचे आप देख रहे हो पेड़ पौधे खड़े, काफ़ी हरा भरा है। और एक पेड़ तो यहाँ काफ़ी पुराना है, ये देख रहे हो आपको, एक गुल्लर का पेड़ है और एक पीपल का। इसकी ऊंचाई तक आ रहा है, देखो एक पेड़ तो आपको दिख रहा है सामने, कितना मतलब कितना पुराना पेड़ होगा ये। आप मान के चलो इस चीज़ कि इसकी हाइट तक आ रहा है, इसके पूरे आप देख सकते हो इसको। और इसके चारों ओर काफ़ी अच्छा हरियाली है, वैसे तो पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे मात्रा में हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो इस प्रकार का सीन। मैंने आपको फर्स्ट में एंटर करते हुए भी दिखाया था। बाकी ये एक रिलैक्स टाइप की जगह भी बोल सकते हो आप, आराम से आप बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और ये छतरी जो आप देख रहे हो कितनी अच्छी है, हवा चल रही है, पेड़ हालते दिख रहे होंगे शायद आपको, काफ़ी अच्छा हवा आ रही है, मौसम आ रहा है। यहाँ से आप तिजारा का नज़ारा देख सकते हो, तिजारा शहर आपको पूरा का पूरा दिखेगा। और पीछे ये अपने आगे फिर मेवात क्षेत्र चल जाता है, तो वो अलग रियासत बन जाती थी, लेकिन ये अलग रियासत में अंडर में आता था। ये इसी पीछे गुम्बद के पीछे की छोटी सी कहानी थी। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, केयर करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस प्रकार की वीडियो के लिए मुझे कमेंट भी आप कर सकते हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो, आप अगर मुझसे अलवर से मुझे कोई देख रहा हो, तो मुझे अगर ऐसी कोई जगह हो तो मुझे बताइए। हालांकि इसकी बहुत कम ही कोई एक आध वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही वीडियो बनाई हुई है। लोग ज़्यादातर लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ फेमस हो, कोई किला हो, जैसे अलवर की मूसी महारानी छतरी। इन एरिया में तो बिल्कुल हर आदमी घूम सकता है, लेकिन कोई ऐसी जगह होती है जो अनसोल्ड होती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक गुम्बद दिखाई थी शाह आबाद की, जिसकी आज तक कोई वीडियो नहीं बनी यूट्यूब पर। मैं गूगल पर उसके बारे में जब सर्च कर रहा था उसके यूट्यूब पर, तो उसका कोई इतिहास ही नहीं है जिक्र के अंदर। और लेकिन अब आप ये देख सकते हो कि मैं ऐसी जगह लाता रहता हूँ। खैर, ऐसी वीडियो के लिए मुझे लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।